हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर में, तो बीएससी फाइनल ईयर की जो हम आज ऑर्गेनिक जो पेपर था उसमें सेकंड नया नए नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले हमने पढ़ा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, वो थी यूनिट नंबर सेकेंड, और ये है यूनिट नंबर थर्ड। इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के ही क्या होते हैं? हाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट। कहने का मतलब, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसके अंदर क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट है, तो ये कार्बोनिल यौगिक थे। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन के ही हाइड्रेट है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, या हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, समस्त कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड है। जिसके पॉली का मतलब जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल कंपाउंड क्या हो? दो या दो से अधिक हो। जैसे कि एक है तो उसको हम बोलते हैं मोनो, दो है तो डाई और तीन को ट्राई, और उसी तो ज़्यादा हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सिल। तो कार्बोहाइड्रेट या जो कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। और अगर इनका जलपघटन किया जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी का प्राप्त होता है इसका जलपघटन करवाने पर। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट हमारा है शुगर और दूसरा है नॉन शुगर। फर्स्ट क्या है? शुगर, नॉन शुगर। शुगर की बात करें तो शुगर जो टेस्ट में कैसी होती है? स्वीट टेस्ट। अब स्वीट टेस्ट है और वो क्या है? नॉन शुगर। नॉन शुगर मतलब उसका टेस्ट कैसा होगा? बिटर होगा, साल्टी हो सकता है। अब आगे हम बात करें कि शुगर है तो ये कैसी होगी? डिजॉल्व इन वाटर। और ये क्या होगी? या सोल्यूबल इन वाटर। और ये क्या होगी? अनसोल्यूबल इन वाटर। जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूबल इन वाटर। मतलब जो शुगर है वो क्या होती है? वाटर के अंदर घुल जाती है, और जो नॉन शुगर है वो वाटर के अंदर नहीं घुलती या डिजोल्व नहीं होती। ये हमारे मेनली क्या हो गए? जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो टू टाइप्स के हो गए। अब आगे हम बात करें जो शुगर है या सोल्यूबल इन वाटर है उनके टाइप्स की। तो ये कितने टाइप्स का होता है? देखिए, ट्रायोज का एग्जांपल क्या होता है? सॉरी, इसमें पहले हम लिखते हैं, इनको सैकराइड में तोड़ते हैं। शुगर है वो कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स की। इसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड और इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ये है ओलिगोसैकेराइड। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। तो मोनोसैकेराइड में ये कितने टाइप के होते हैं? फोर टाइप के। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। देखिए, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। अब हेक्सोज के अंदर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल कौन से होते हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये क्या होगा इसके एग्जाम्पल? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। पेंटोज की, अब इनके हम बात करें एग्जाम्पल्स की ऊपर। देखिए, जो ट्रायोज है उसका एग्जाम्पल है ग्लिसरेल्डिहाइड। किसका एग्जाम्पल है? ट्रायोज। या हम बात करें कि इसमें कार्बन की श्रृंखलाएं कितनी होंगी या कार्बन कितने होंगे? तीन। टेट्रोज में हम बात करें तो रेफिनोज,
रेफेनोज, और पेंटोज में बात करें तो स्टोकियोज। ये क्या है, इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। देखिए फर्स्ट हम बात करें तो ये होता है डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। अब आप दोबारा देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो कम कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी है। और जब इनका जलपघटन करवाया जाता है, जलपघटन करवाएंगे तो क्या लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। जब कार्बोहाइड्रेट का जलपघटन करवाया जाता है तो क्या बनता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड बनते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। अब हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में हम जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के, शुगर और नॉन शुगर। शुगर की बात करें तो ये टेस्ट में कैसी होती है, स्वीट होती है, वाटर में डिजोल्व होती है, तो ये क्या हो गई, अनसोल्यूबल इन वाटर, और जो शुगर है वो कैसी है, सोल्यूबल इन वाटर। अब नॉन शुगर को हम वही कंप्लीट करेंगे, इसके आगे वहाँ उसके बारे में हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे शुगर से। तो देखिए शुगर है वो कितने टाइप की है, टू टाइप्स की, मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। अब बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की टाइप्स की, तो टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड कितने होते हैं, फोर टाइप्स। फोर टाइप्स से हमने फर्स्ट इसका ट्रायोज, ट्रायोज का एग्जाम्पल होता है ग्लिसरेल्डिहाइड, टेट्रोज जो सेकेंड है उसका एग्जाम्पल होता है रेफेनोज, और थर्ड है पेंटोज का एग्जाम्पल होता है स्टोकियोज, और फोर्थ हमारा जो है हेक्सोज, जिसके अंदर हम बात करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। अब इनमें कार्बन्स की बात करें तो इसमें कार्बन थ्री होते हैं, या कार्बन की श्रृंखला कितनी होती है, तीन, इसमें होते हैं चार, इसमें कार्बन होती है फाइव, और इसमें कार्बन सिक्स। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करें ओलिगोसैकेराइड की, तो ओलिगोसैकेराइड्स भी कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। तो ओलिगोसैकेराइड्स के टू टाइप्स कौन कौन से हैं, देखिए डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स हैं वो किस प्रकार से दिए हुए हैं, तो उनमें हम बात करेंगे सबसे पहले नामकरण की, नामकरण या नोमेनक्लेचर की। सबसे पहले हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर, इनका जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं, या उनको क्लासिफाइड किया है तो उनका नामकरण किसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए नोमेनक्लेचर, नामकरण, नामकरण हम जानते हैं कि सरल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देखिए नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट दिया गया है उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, ओज लगाएंगे। जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज तो हमने क्या लगाया है, ओज। फ्रक्टोज लास्ट में क्या लगाया हमने, ओ लगाया। या हम बात करें कि जब इसका नामकरण करते हैं तो उस जो जिस भी कार्बोहाइड्रेट का नामकरण करेंगे उसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ओज लगाएंगे। और ओज से पहले क्या लगा देंगे, कार्बन की जो श्रृंखला है, हम कार्बन के नंबर हैं उनको दर्शाएंगे, और साथ में क्या करेंगे, जो हमारा क्रियात्मक समूह है उसको दर्शाएंगे। अब देखिए जैसे ग्लूकोज है तो ओज तो हमने इसके नामकरण में लगा दिया, ये क्या है, ओज। कहाँ से आया, नोमेनक्लेचर में, कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखेंगे उसके अंत में क्या लगाएंगे, ओज लगाएंगे, और उससे पहले जो कार्बन है उसकी संख्या को शो करेंगे, कितने कार्बन है। अब ये हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये किसके हैं, हेक्सोज की, हेक्सोज की मतलब कार्बन कितने हैं, सिक्स। तो ये क्या, और क्रियात्मक समूह क्या है, ग्लूको। तो ये देखो ग्लूको प्लस ओज क्या बन गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज बन गया। कार्बन की बात करें तो कितने हैं, C6H6 सिक्स, सॉरी C6H6।
ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। कहने का मतलब हमें कार्बन की श्रृंखला देखनी है तो कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सोज बोलेंगे। ठीक है, दोबारा देखिए, अब इसी प्रकार से हम फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज भी ऐसा ही होता है। अब देखो ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं वो किससे बने होते हैं, इनमें क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, CHO और इसमें होगा CO, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डी हेक्सोज और इसको क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोज, हेक्सोज। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया जो क्रियात्मक समूह है वो CHO, हेक्सो का मतलब कार्बन कितने हैं 6 और ओज का मतलब जो हमारे नोमेनक्लेचर जब भी नाम लिखेंगे तो लास्ट में क्या लगाएंगे, ओज लगाएंगे, जैसे कि कीटो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज, ये इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है उनका अध्ययन कहाँ करेंगे हम, मोनोसेकेराइड के अंदर, जो ग्लूकोज है फ्रक्टोज है इन सबको हम किसके अंदर अध्ययन स्टडी करेंगे, मोनोसेकेराइड्स के अंदर। और मोनोसेकेराइड में हम बात करें तो कौन कौन से होंगे, एल्डी हेक्सोज या एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। कार्बन कितने हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ग्लूकोज के अंदर इसको क्या बोलेंगे हम, एल्डो हेक्सोज, एल्डो का मतलब इसमें क्या होगा, एक ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड का ग्रुप होगा। एल्डिहाइड का ग्रुप कौन सा होता है, CHO, वो कैसा है, एल्डिहाइड का ग्रुप है। तो एल्डिहाइड के ग्रुप में मैंने यहां ऐड कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड CHOH, और CH2OH, ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी ग्लूकोज की। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कार्बन कितने हैं 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन हो गए, तो C6। हाइड्रोजन कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, H12, और ऑक्सीजन कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, O6। ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्डो हेक्सोज, और एल्डो हेक्सोज की स्ट्रक्चर प्लस इसका फॉर्मूला। अब आगे हम बात करें कि फ्रक्टोज की, आगे हम बात करें फ्रक्टोज की, और फ्रक्टोज को हम क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। इसकी श्रृंखला में हम बात करें तो कार्बन कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे, कितने होंगे 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे। तो ये भी क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगा, कीटोन समूह है, हम जानते हैं कीटोन के लिए हमें क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए कार्बन को, और यहां क्या हो जाएगा, CH2OH, ये क्या हो गई फ्रुक्टोज की, जिसको हम क्या बोलते हैं कीटो हेक्सोज। और कीटो हेक्सोज में कार्बन की बात करें तो 1, 3, 4, 5 और 6, C6। हाइड्रोजन कितने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 और 12, H12O6। ये क्या हो गया फ्रुक्टोज का फॉर्मूला। अब हम बात करें कि जो हेक्सोज है या जिसके अंदर हम एग्जांपल की बात करें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की, तो दोनों कैसे होते हैं, C6H12O6 या हम C6H12O6, दोनों के फॉर्मूले कैसे होते हैं, सेम होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम, सुगर, क्या बोलेंगे इनको, सुगर, क्योंकि दोनों कैसी है, स्वीट है, मीठे होते हैं। आगे हम बात करें कि इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो किस प्रकार देते हैं, रासायनिक या केमिकल रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शन में हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो फर्स्ट हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज या प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, अब देखिए यहां पर हमारे सी एच ओ एच ये कितने हैं, फोर, तो मैंने यहां पे फोर लिखा है और सी एच टू ओ एच, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें एसिटिलीन से, या इसको हम बोलेंगे एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण की बात करें तो इसमें क्या होगा कि एसिटिल जो यौगिक है वो एड होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं सी एच थ्री सी ओ होल ट्वाइस ओ। ये क्या करता है, इस रिएक्शन के अंदर चेंज होगा, तो यहां वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये एसिटिल समूह यहां आके एड हो जाएगा, सी एच ओ सी एच सी सी एच थ्री का होल फोर और सी एच टू ओ एच। ग्लूकोज की श्रृंखला थी उसके अंदर क्या हो गया, एसिटिल समूह आके एड हो गया, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट के साथ में क्या निकला है, फाइव जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल भी बाहर निकल गए, ठीक है। यहां से देखिए फोर जो एसिटिल समूह था वो यहां पे है और वन एसिटिल समूह है यहां पे, प्लस इसके साथ में क्या निकला सी एच थ्री सी ओ ओ एच, ये कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, फाइव, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। इसी की रिएक्शन करवाएं फ्रुक्टोज से, फ्रुक्टोज से करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर हो गई, इसकी रिएक्शन करवानी है हमें तो ये कैसे होगा। अब यहां क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज, ग्लूकोज की जगह क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट, और वही पांच फाइव मॉलिक्यूल्स किसके निकल गए, एसिड के, ठीक है। आगे रिएक्शन करवाएं पीसीएल फाइव से, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं, सेकेंड रिएक्शन इसकी पीसीएल फाइव से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पीसीएल फाइव से रिएक्शन करवा रहे, पीसीएल फाइव से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या निकलेगा, देखिए जहां ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था वो क्या कर लेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, CH, जहां जहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था या वाटर का मॉलिक्यूल था वहां से क्या निकल गया, क्लोरीन एड हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे हम, OH का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो फॉस्फोरस कितने हो गए, फाइव, फॉस्फोरस के साथ में वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए तो फाइव की जगह क्या निकल गया, फाइव एच टू ओ। यह हम बात करें कि यहां फाइव मॉलिक्यूल किसके निकले हैं, वाटर के निकल गए। अब इसको क्या बोलते हैं, पेंटा क्लोरो ग्लूकोज, पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। और इसी की रिएक्शन अगर फ्रक्टोज से करवाते हैं फ्रक्टोज से करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसको क्या बोलेंगे, पेंटाक्लोरो फ्रक्टोज, पेंटाक्लोरो फ्रक्टोज। ये हमारी रिएक्शन थी जिसके अंदर देखिए फ्रक्टोज से रिएक्शन करवाएंगे तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा और क्लोरीन से ग्लूकोज से रिएक्शन करवाएंगे तो भी प्रोडक्ट वही बनेगा। आगे हम रिएक्शन करवाएं ईथर से,
इथर से, तो इथर की रिएक्शन जाने, तो देखिए यहां से इथर क्या होता है, आर ओ आर, इथर की रिएक्शन करवा रहे हैं। इथर की रिएक्शन में हम लेंगे इसकी जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, ये बन जाएगा मेथिल ग्लूकोज, आर ओ आर है, आर की जगह हम क्या ले रहे हैं, मेथिल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं सी एस थ्री ओ सी एस थ्री। यहां कन्वर्ट करेंगे इसको, फ्रक्टोज का है, सी एस थ्री का होल थ्राइस सी एच टू सी एस थ्री, क्या बनेगा, पेंटामेथिल फ्रक्टोज, पेंटामेथिल फ्रक्टोज। इसकी रिएक्शन करवाएं ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज इसी की रिएक्शन करवाएं ग्लूकोज से, तो क्या बनेगा, सी एस थ्री, क्या बन जाएगा, पेंटामेथिल ग्लूकोज, पेंटामेथिल ग्लूकोज। ये हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं थी, केमिकल रिएक्शन थी। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। इस यूनिट के अंदर हम मेन मेन टॉपिक्स की बात करें तो कौन से, देखिए इसमें होगा एक तो थ्रियोर इरिथ्रो समावेवी, इरिथ्रो समावेवी, डाइसेकेराइड हो गए, मोनोसेकेराइड हम पढ़ रहे हैं, और एक लास्ट होगा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंदर हम पढ़ेंगे केवल ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, जो इसके तीन और एग्जाम्पल थे उनके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, यहां हम पढ़ेंगे केवल ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। डाइसेकेराइड के अंदर हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रा, पेंटा, उस तरीके से। यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।